वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में अपनी भागीदारी और रोजगार की अपार संभावनाओं को देखते हुए पर्यटन को विश्व का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ उद्योग माना जा रहा है। इसी के चलते इको टूरिज्म सोसाइटी ऑफ इंडिया और मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से भोपाल में 18-19 अप्रैल 2013 को भोपाल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म आयोजित किया जा रहा है। इको टूरिज्म जैसा कि शब्द कहता है कि इको टूरिज्म ऐसा टूरिज्म है जो सस्टेनेबल टूरिज्म है, और आज की दुनिया में सस्टेनेबिलिटी चाहे टूरिज्म में हो चाहे किसी और फील्ड में हो वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है और एक्सेप्टेबल भी वही है। चाहे आप फॉरेस्ट्री में लें चाहे किसी चीज़ में लें, वो एक सर्टिफिकेशन का जो ठप्पा है वो आज जरूरी हो गया है। तो इसी तरह से इको टूरिज्म भी एक टूरिज्म पे एक सस्टेनेबिलिटी का ठप्पा है, तो इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि आने वाले समय में जो ये सस्टेनेबल टूरिज्म है वही टूरिज्म आगे बढ़ पाएगा, बाकी टूरिज्म को सपोर्ट नहीं मिलेगा। अब देखिए इसमें दो चीजें हैं, एक तो मार्केटिंग होती है टूरिज्म को लेकर कि हम ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट लेके आए, लेकिन वहीं पे जो सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम कितने टूरिस्ट को उन जगहों ले जाएं जिससे अगर उसको उससे ज़्यादा ले जाते हैं तो वो जगह कहीं प्रभावित ना हो जाए, मतलब उसका जो पूरा वो है आब हवा है पर्यावरण का वो बदल ना जाए। तो वो भी एक प्रयास है कि टूरिज्म बढ़े भी लेकिन वहीं तक बढ़े जहाँ तक सस्टेनेबल है और जो एक एक्सपीरियंस जिसको कहते हैं एक टूरिज्म में जो एक्सपीरियंस की बात आती है तो मैक्सिमम एक्सपीरियंस टूरिस्ट को मिले। कोर्ट ने एक आदेश दिया था, जब कोर्ट ने पहले ये आदेश दिया कि टूरिज्म बंद किया जाता है पूरे देश में टाइगर रिजर्व्स में, उसके बाद पे बहुत सी बहस हुई सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ठीक है टूरिज्म होना आवश्यक है लेकिन एक कंट्रोल तरीके से होना चाहिए, और उन्होंने एक गाइडलाइन जो थी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की उस पर उन्होंने एक ठप्पा लगाया कि ये गाइडलाइंस है, इस गाइडलाइंस के तहत ही टूरिज्म आगे बढ़ेगा। लेकिन ये दुख से बात कहना पड़ रहा है कि उस आदेश वो जो गाइडलाइंस हैं उसमें से कुछ हिस्सों को लिया गया है जो कि कन्वीनियंट रहे कुछ लोगों के लिए और कुछ हिस्सों को छोड़ दिया गया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे उसमें। इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य इको पर्यटन को ऐसी अवधारणा प्रस्तुत करना है जो कि नीति निर्धारकों की जरूरतों पर खरा उतरे और पर्यटन उद्योग की जमीनी हकीकत से भी जुड़ा हो। इस कॉन्फ्रेंस में अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, नीति निर्धारकों, पर्यटन का अध्ययन करने वालों, गैर सरकारी संगठनों और पर्यटन से जुड़े समुदायों के प्रतिनिधियों को विचार विमर्श के लिए बुलाया गया है। साथ ही कॉन्फ्रेंस में इटली, केन्या, साउथ अफ्रीका, यूके, ऑस्ट्रेलिया और भारत के विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। कैमरा पर्सन परवेज खान के साथ वैष्णवी चौधरी, एमएस न्यूज भोपाल।